गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इन आवर प्रीवियस लेक्चर ऑफ बिजनेस स्टडीज ऑफ क्लास प्लस वन वी हैव स्टार्टेड द बी पार्ट ऑफ द बुक दैट इज अ फाइनेंस एंड ट्रेड एंड वी हैव स्टार्टेड द चैप्टर नंबर 7 दैट इज अ सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस इन विच वी हैव डन द नेचर सिग्निफिकेंस मीनिंग ऑफ फाइनेंस टाइप्स ऑफ फाइनेंस दैट इज अ लॉन्ग टर्म फाइनेंस एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंस sources of finance that is honors funds and borrowed funds. Now we can do what are the honors funds, what are the borrowed funds and their features and so on. So starting with the sources of raising finance. There are two sources of raising finance on the basis of ownership. That is the honors fund and borrowed funds. We have done its meaning. It's difference between the honor fund and borrowed funds. Now we can do the different types of honors funds and different types of borrowed funds. Firstly, the different types of honors funds are equity shares, preference shares, retained earning, global depository receipts that is GDR, American depository receipts that is ADR, and IDR that is Indian depository receipts. Starting with equity shares. Firstly, the owners can issue the share. मतलब कि businesses में कई तरह के shares जो है वो issue किए जाते हैं. That are equity shares, preference shares, sweat shares, etc. But आपके syllabus के according, Companies Act के according जो public companies है वो दो तरह के share issue कर सकती है. That is the equity shares and preference shares. Shares क्या होते हैं? Shares are the smallest units in which owners' capital of the company is divided. Shares क्या है? कि कंपनी अपने कंपनी का कुछ पार्ट मतलब अपने कंपनी जो है उसकी अपनी कैपिटल को इंक्रीज करने के लिए ऑनर के अपनी कैपिटल को इंक्रीज करने के लिए शेयर के फॉर्म में कंपनी जो है वो सेल कर देती है और शेयर दूसरों को दे देती है. एक सर्टिफिकेट होता है वो दूसरों को देती है और उसके बदले में वो मनी जो है कलेक्ट कर देती है. अ शेयर इज द इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर in the company measured by the sum of money for the purpose of liability and interest. The share may also be defined as a unit of measure of shareholders interest in the company. Shares क्या होते हैं कि company में वो कितने पैसे invest कर रहे हैं उसका एक certificate होता है. एक share decide करते हैं company का shareholder का company में कितना interest है, कितने उसने पैसे जो है invest किए हुए हैं और कंपनी की उसके प्रति कितनी लायबिलिटी बनती है और कंपनी ने उसको कितना इंटरेस्ट देना है. ये सब कुछ शेयर्स के थ्रू होते हैं. ठीक है, कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग शेयर्स जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं, इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स. फर्स्टली इक्विटी शेयर्स. शेयर्स आर द स्मॉलेस्ट यूनिट इन विच शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड एंड इंक्लूड्स स्टॉक. शेयर्स क्या होते हैं? एक स्मॉलेस्ट यूनिट होते हैं कंपनी में इन विच शेयर कैपिटल जिसके थ्रू कंपनी जो है शेयर कैपिटल अपनी रेज करती है और अपने जो कंपनी का स्टॉक है उसे इंक्रीज करती है. इक्विटी शेयर्स इज अ कॉमन सिक्योरिटी इशूड अंडर द परमानेंट और ऑनर्स कैपिटल फंड. इक्विटी शेयर्स क्या है? जैसे ऑनर की कैपिटल होती है वैसे इक्विटी शेयर्स होते हैं जो कि ऑनर्स की कैपिटल के अंडर एक सिक्योरिटी इशू की जाती है. इक्विटी शेयर्स इज अ कॉमन सिक्योरिटी, एक कॉमन सिक्योरिटी है जो कि ऑनर्स की कैपिटल फंड कैपिटल के अंडर इशू की जाती है. इक्विटी शेयर्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेजिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल फंड्स. इक्विटी शेयर्स के थ्रू हम लॉन्ग टर्म फंड्स जो वो रेज कर सकते हैं. द इक्विटी शेयर्स आर दो शेयर्स विच डू नॉट कैरी एनी स्पेशल और प्रेफरेंशियल राइट्स इन द पेमेंट ऑफ एनुअल डिविडेंड एंड और रिपेमेंट ऑफ कैपिटल. इक्विटी शेयर होल्डर्स को किसी भी तरह की प्रेफरेंसेस नहीं दिए जाते कि हमने उन्हें कोई डिविडेंड पे करना है, एनुअली डिविडेंड पे करना है, कोई इंटरेस्ट पे करना है. ये ऑनर की तरह अगर प्रॉफिट होगा तो मिल जाएगा, नहीं हुआ तो नहीं मिलेगा. एट द टाइम ऑफ फाइंडिंग अप ऑल्सो कैपिटल ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर इज रिटर्न ओनली आफ्टर द क्लेम हैज़ बीन सेटल्ड. कह रहे कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को जो कंपनी बंद हो रही है, वाइंड अप हो रही है, उस टाइम पे भी सभी क्लेम्स ख़त्म होने के बाद, सभी डेट्स वगैरह देने के बाद जो बचेगा, अगर कुछ बचता है कंपनी के पास तो ही इक्विटी शेयर होल्डर्स को कुछ रिटर्न मिलता है, अदरवाइज उन्हें वो रिटर्न भी नहीं मिलता. प्रियर टू द ईयर 2000 द कंपनीज वर अलाउड टू इशू इक्विटी शेयर्स विद ओके प्रियर टू द ईयर 2000 द कंपनीज वर अलाउड टू इशू इक्विटी शेयर्स विद इक्वल राइट्स ओनली. कह रहे कि 2000 से पहले जो है वो कंपनी इक्विटी शेयर्स को भी, इक्विटी शेयर होल्डर्स को भी इक्वल राइट्स देती थी. इन द ईयर 2000 एन अमेंडमेंट वॉज मेड इन द कंपनीज एक्ट परमिटिंग द कंपनीज टू इशू टू कैटेगरीज ऑफ इक्विटी शेयर्स.
क्योंकि 2000 के बाद या 2000 ईयर में कंपनीज एक्ट में अमेंडमेंट हुई, जिसकी वजह से इक्विटी शेयर्स को फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया, इक्विटी शेयर्स विद इक्वल राइट्स एंड इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल राइट्स एज टू डिविडेंड। फर्स्ट क्या है, इक्विटी शेयर्स जिन्हें कि पूरे राइट्स दिए जाते थे, ऐसे शेयर होल्डर्स जिन्हें पूरे राइट्स दिए जाते थे इक्वल राइट्स मिलते थे। दूसरे क्या था, इक्विटी शेयर्स विद द डिफरेंशियल राइट्स एज टू डिविडेंड, जिन्हें अलग से राइट्स दिए जाते थे, कुछ सेपरेट राइट्स जैसे कि वोटिंग राइट्स हो गए या अर्निंग प्रॉफिट अर्निंग राइट्स है वो दिए जाने शुरू हो गए। सेकेंड है फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर्स, इक्विटी शेयर्स के क्या फीचर्स हैं। प्राइमरी रिस्क बेयरर, द इक्विटी शेयर जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं प्राइमरी रिस्क बेयरर होते हैं, जो कि कंपनी के लॉसेस को बेयर करते हैं। अगर सपोज की कंपनी में प्रॉफिट हो रहा है तो सभी डेट्स वगैरह पे करने के बाद जितना भी प्रॉफिट कंपनी को हो रहा है वो आपस में डिवाइड कर लेते थे, उन्हें आपस में डिवाइड कर दिया जाता था। और सेम इससे अगर कंपनी में कोई लॉस हो रहा है तो वो भी इक्विटी शेयर होल्डर को बेयर करना पड़ता है। द इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द प्राइमरी रिस्क बेयरर ऑफ द कंपनी, इन केस ऑफ कंपनी सफर्स लॉसेस देन इक्विटी शेयर होल्डर हैव टू बेयर लॉसेस, द ड्यू पेमेंट इज गिवन टू द क्रेडिटर बिफोर पेइंग द इक्विटी शेयर होल्डर्स। जो भी पेमेंट्स बच रही हैं, जो भी अभी डेटर्स को पेमेंट करने वाली हैं, वो पेमेंट करने के बाद जितने भी लॉसेस जो है वो होते हैं वो सारे इक्विटी शेयर होल्डर्स वालों को शेयर करने पड़ते हैं। नेक्स्ट इज अ क्लेम ओवर रेजिडुअल इनकम, जो रेजिडुअल इनकम है, द कंपनी शेयर होल्डर हैव अ क्लेम ओवर लेफ्ट ओवर इनकम ऑफ द कंपनी ओनली। जो सारे डेट्स वगैरह पे करने के बाद जो इनकम बची आती है, जो रेजिडुअल इनकम है, लेफ्ट ओवर इनकम है, उस पर क्लेम कर सकती है। दे गेट शेयर इन द इनकम लेफ्ट ओवर आफ्टर सेटिस्फाइंग द क्लेम ऑफ ऑल द क्रेडिटर्स आउटसाइडर्स एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। कंपनी जो है सारे तरह के जो डेटर्स हैं, जो भी क्रेडिटर्स हैं, जो आउटसाइडर्स हैं या प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं, सभी के क्लेम्स को सेटल करने के बाद जो बच जाता है कंपनी के पास, अगर कुछ बच जाता है तो ही जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं वो अपने क्लेम्स को वो क्लेम कर सकती है, अपने इनकम को क्लेम कर सकती है। बेसिस फॉर लोन्स, इक्विटी शेयर कैपिटल इज द बेसिस ऑन विच लोन्स कैन बी रेज्ड। जो इक्विटी शेयर कैपिटल है इसी के बेसिस पे लोन जो है वो रेज किया जाता है। द अमाउंट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल एड्स टू द क्रेडिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी, द अमाउंट ऑफ द इक्विटी शेयर कैपिटल इंक्रीज द कॉन्फिडेंस ऑफ द क्रेडिटर्स। जो जितने ज़्यादा इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं, जितने ज़्यादा इक्विटी शेयर जो मार्केट में चल रहे होते हैं, उसी के बेसिस पे कंपनी को लोन मिलते हैं। बिकॉज जितनी ज़्यादा इक्विटी शेयर कैपिटल होती है उतने ही कंपनी का कॉन्फिडेंस जो है वो क्रेडिटर्स के मन में आता है और लोग ज़्यादा कंपनी को लोन प्रोवाइड कर पाते हैं। नेक्स्ट इज अ कंट्रोल, इक्विटी शेयर होल्डर हैव अ कंट्रोल ओवर द एक्टिविटीज ऑफ द कंपनी। जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं वो कंपनी की एक्टिविटीज़ में कंट्रोल कर सकते हैं, उन पर उनका अधिकार होता है बिकॉज उनके पास वोटिंग राइट्स होते हैं। इवन वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए भी वोट कर सकते हैं, अपनी जो डे टू डे एक्टिविटीज़ हैं, लॉन्ग टर्म्स जो डिसीजन है उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज अ हायर प्रॉफिट, अगर बिजनेस में कोई प्रॉफिट हो रहा है, हायर प्रॉफिट हो रहा है, तो जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं उनमें एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे किया जाता है। डिबेंचर होल्डर्स में को भी एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे किया जाता है, पर अगर प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हो रहा है उनको पे करने के बाद, जितना भी प्रॉफिट है वो उनमें डिवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, जो डिबेंचर होल्डर्स हैं, जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं, इन्हें एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, पर जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं इन्हें प्रॉफिट भी ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट इज अ प्रीएम्प्टिव राइट, प्रीएम्प्टिव राइट होते हैं, द इक्विटी शेयर होल्डर्स आर गिवन अ प्रीएम्प्टिव राइट बाय द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट। अकॉर्डिंग टू दिस राइट, व्हेन एवर अ कंपनी इज प्लानिंग टू इशू न्यू इक्विटी शेयर, इट मस्ट बी ऑफर टू द शेयर टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स फर्स्ट। कह रहे कि अगर कंपनी और ज़्यादा और शेयर होल्डर शेयर्स जो है वो इशू कर रही है, इक्विटी शेयर्स इशू कर रही है, तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को फर्स्ट राइट दिया जाता है कि अगर वो चाहें तो और शेयर्स जो है कंपनी के परचेज कर सकते हैं। इफ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर रिफ्यूज टू बाय द न्यू इशू, देन ओनली अ कंपनी शैल ऑफर दिस शेयर्स टू द जनरल पब्लिक। जब ये कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर्स मना कर देते हैं या रिफ्यूज़ कर देते हैं कि हमने नए शेयर्स और नहीं खरीदने, तभी वो जो शेयर्स हैं वो जनरल पब्लिक में इशू किए जाते हैं। दिस राइट प्रोटेक्ट्स द कंट्रोलिंग राइट ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स। इससे क्या है कि इक्विटी शेयर होल्डर्स के जो राइट है वो प्रोटेक्ट किए जाते हैं। नेक्स्ट इज अ मेरिट्स और एडवांटेजेस ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स। इक्विटी शेयर होल्डर्स को इक्विटी शेयर्स के क्या मेरिट्स होते हैं, क्या एडवांटेजेस हैं। फर्स्ट इज अ परमानेंट कैपिटल, ये जो लॉन्ग टर्म कैपिटल है जिसपे
फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट तो नहीं मिलता, फिक्स रिटर्न नहीं मिलता, बट ये परमानेंट फंड है, परमानेंट फंड्स जो है कैपिटल को प्रोवाइड किए जाते हैं, लॉन्ग टर्म फंड्स प्रोवाइड किए जाते हैं। नो चार्ज ऑन फिक्स्ड एसेट फॉर द इशू ऑफ इक्विटी शेयर, कंपनी इज नॉट रिक्वायर्ड टू मॉर्टेज इट्स एसेट। क्योंकि इक्विटी शेयर इशू करने पे कंपनी को अपने एसेट्स मॉर्टेज नहीं करने पड़ते, कि मतलब अपने जो इक्विटी शेयर्स हैं, अगर कल को कंपनी को कोई लॉस होता है तो कंपनी को अपने शेयर, अपने एसेट्स बेच के इनके पे ऑफ नहीं करना पड़ता। नेक्स्ट इज अ हाई क्रेडिट स्टैंडिंग। द अमाउंट ऑफ इक्विटी शेयर इन द शेयर कैपिटल, इन द कैपिटल स्ट्रक्चर डिटरमाइन द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द कंपनी। जो इक्विटी शेयर्स है, जो शेयर कैपिटल में, इसकी क्रेडिट वर्दीनेस बहुत ज़्यादा होती है। कंपनी विद मोर इक्विटी शेयर कैपिटल इंजॉयज हायर क्रेडिट वर्दीनेस। जिस कंपनी के इक्विटी शेयर्स ज़्यादा होते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल ज़्यादा होती है, उनकी क्रेडिट वर्दीनेस भी ज़्यादा होती है, मतलब कि वो मार्केट से ज़्यादा लोन उठा सकते हैं। नेक्स्ट इज अ ह्यूज फंड्स। बाय इशूइंग ऑफ इक्विटी शेयर इक्विटी शेयर्स अ कंपनी कैन रेज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ फंड्स बिकॉज द डिनोमिनेशन ऑफ इक्विटी शेयर इज़ वेरी स्मॉल। पीपल फ्रॉम ऑल इनकम ग्रुप्स कैन इन्वेस्ट इन द इक्विटी शेयर कैपिटल, सो अ कंपनी कैन मोबिलाइज ह्यूज फंड्स फ्रॉम इन्वेस्टर बिलोंगिंग टू द डिफरेंट इनकम ग्रुप्स। क्योंकि इससे हमें काफ़ी ज़्यादा ह्यूज फंड्स जो है वो आते हैं, क्योंकि इक्विटी शेयर्स की जो कॉस्ट है, डिनोमिनेशन है, वो बहुत थोड़ी है। मैक्सिमम इसकी, मोस्टली इसकी कॉस्ट जो है वो 10 रुपीज़ टू 100 रुपीज़ के बीच में होती है। पीपल जो अलग अलग इनकम ग्रुप से इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसी वजह से जो है अलग अलग इनकम ग्रुप से लोगों से ज़्यादा फंड्स इकट्ठे किए जाते हैं। इन्वेस्टर जो है अलग अलग इनकम ग्रुप से होते हैं, जिसके कारण ज़्यादा फंड्स जो है कंपनी को इकट्ठे हो जाते हैं। डीमेरिट्स क्या है? रिस्क ऑफ फ्लक्चुएटिंग रिटर्न। कभी रिटर्न आ रहा है, कभी रिटर्न नहीं आ रहा। जैसे हमने पहले बात किया कि इन्हें कोई फिक्स रेट ऑफ रिटर्न नहीं दिया जाता, डिविडेंड नहीं दिया जाता, सो इनकी रिटर्न जो है वो काफ़ी लो होती है, और कुछ केसेस में इन्हें लॉस भी बेयर करना पड़ता है। नेक्स्ट इज अ इनफ्लेक्सिबिलिटी कैनॉट बी रिटर्न। इक्विटी शेयर इज अ परमानेंट सोर्स ऑफ कैपिटल। जो परमानेंट सोर्स ऑफ कैपिटल है, लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ कैपिटल है, इट कैंट बी रिटर्न इवन व्हेन इट इज़ लाइंग आइडल। कह रहे कि ये तब भी नहीं रिटर्न किए जाते जबकि पैसों की कंपनी को ज़रूरत नहीं होती। When there is no scope of expansion or growth, then the equity share capital remains idle, but it cannot be returned during the lifetime of the company. क्योंकि equity share capital जो है वो लोगों से एक बार लेने के बाद उन्हें return नहीं की जाती जब तक कंपनी wind up नहीं होती। चाहे कंपनी में funds idle ही क्यों ना पड़े हो, free ही क्यों ना पड़े हो, फिर भी उन्हें return नहीं किया जाता। Next is a legal formalities. A company has to complete too many legal formalities and has to take many permissions before issue of equity shares to the general public. Shares, equity shares जब general public को issue किए जाते हैं तो उसके लिए company को काफ़ी तरह की legal formalities को follow करना पड़ता है, काफ़ी तरह की permissions लेनी पड़ती है equity shares को issue करने से पहले। So इसकी जो legal formalities है बहुत ज़्यादा, इसकी process जो काफ़ी लंबी रहती है। Next is a issue depends on market condition. ये जो इशू है मार्केट कंडीशन पे डिपेंड करते हैं। द इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल डिपेंड्स अपॉन द मार्केट कंडीशन। इक्विटी शेयर्स आर रिस्की सिक्योरिटीज, सो दीज आर डिमांडेड ड्यूरिंग बूम पीरियड ओनली। ड्यूरिंग रिसेशन पीरियड पीपल हेजिटेट टू इन्वेस्ट इन द इक्विटी शेयर कैपिटल। क्योंकि इक्विटी शेयर कैपिटल जो है वो मार्केट्स पे डिपेंड करती है कि हमें कब इशू करनी चाहिए, कब नहीं इशू करनी चाहिए। जब बूम पीरियड चल रहा होता है, जब बिजनेसेस प्रॉफिट अर्न कर रहे होते हैं, तब इक्विटी शेयर इशू करें तो उसकी डिमांड ज़्यादा होती है। पर रिसेशन पीरियड में, जैसा आजकल का रिसेशन पीरियड चल रहा है लॉकडाउन की वजह से, या फिर कह लो कि COVID-19 की वजह से, जो इस टाइम रिसेशन का पीरियड चल रहा है, इस टाइम पे इक्विटी शेयर कैपिटल में इन्वेस्ट करने से लोग काफ़ी परहेज करते हैं, हेजिटेट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज, नेक्स्ट इज अ प्रेफरेंस शेयर। अभी हमने बात किया इक्विटी शेयर्स की, अब हम बात करेंगे सेकेंड टाइप ऑफ शेयर्स, दैट इज अ प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स आर दो शेयर्स विच गेट प्रेफरेंस ओवर इक्विटी शेयर्स इन रिस्पेक्ट टू। अब प्रेफरेंस शेयर्स को इक्विटी शेयर से बेहतर कहा गया है यहाँ पे। इक्विटी शेयर से क्यों बेहतर कहा गया? बिकॉज इट हैज अ फीचर ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड आफ्टर फिक्स टाइम पीरियड, कि इन्हें फिक्स टाइम पीरियड के बाद जो पेमेंट है डिविडेंड की वो मिलती है। एंड द रिपेमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट अमाउंट ड्यूरिंग वाइंडिंग अप, और जब वाइंडिंग अप होती है, कंपनी की वाइंड अप हो रही होती है, तो इन्हें जो पेमेंट है इन्वेस्टमेंट की वो भी पहले की जाती है। फर्स्ट फीचर इज अ फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड। इन्हें जो है फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड जो है फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे किया जाता है, चाहे कंपनी प्रॉफिट अर्न कर रही है, चाहे प्रॉफिट अर्न नहीं कर रही, इन्हें जो है फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है।
नेक्स्ट इज अ नो सिक्योरिटी, कंपनी जो है प्रेफरेंस शेयर्स के अपोजिट कोई किसी भी तरह की सिक्योरिटी नहीं लेती. कंपनी डोंट ऑफर एनी सिक्योरिटी अगेंस्ट द प्रेफरेंस शेयर, द प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ द ऑनर्स कैपिटल फंड. इसमें भी इन्हें किसी भी तरह की सिक्योरिटी नहीं देनी पड़ती. थर्ड इज अ वोटिंग राइट, द प्रेफरेंस शेयर होल्डर डोंट गेट द वोटिंग राइट्स. प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को वोटिंग राइट्स नहीं दिए जाते अंडर जनरल कंडीशंस. However, the preference shares get voting rights if the dividends are not paid for the 2 years or more. पर अगर कि कंपनी जो है शेयर होल्डर्स को 2 साल या 2 साल से ज़्यादा हो गए हैं और वो डिविडेंड नहीं पे कर पा रही तो उन्हें वोटिंग राइट्स मिल जाती हैं. नेक्स्ट इज अ हाइब्रिड सिक्योरिटी, प्रेफरेंस शेयर्स आर कॉल्ड हाइब्रिड सिक्योरिटीज एज दी शेयर्स हैव फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर्स एज वेल एज फीचर्स ऑफ डिबेंचर्स. कह रहे हैं हाइब्रिड मतलब मिक्स सिक्योरिटी भी कहा जाता है क्योंकि इसमें इक्विटी शेयर्स के भी कुछ फीचर्स होते हैं, कुछ शेयर्स कुछ फीचर्स जो है वो डिबेंचर्स के भी होते हैं. लाइक इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर्स गेट डिविडेंड ओनली कंपनी इज अर्निंग प्रॉफिट. क्योंकि इक्विटी शेयर को तभी प्रॉफिट मिलता है जब कंपनी प्रॉफिट अर्न कर रही है, जैसा कि प्रेफरेंस शेयर्स को भी तभी प्रॉफिट मिलता है जैसे कि इक्विटी शेयर को मिलता है जब कंपनी प्रॉफिट अर्न कर रही है. एंड लाइक डिबेंचर प्रेफरेंस शेयर गेट अ फिक्स रेट ऑफ रिटर्न. इनका जो रेट ऑफ रिटर्न है ये फिक्स्ड होता है, ठीक है, एक फिक्स रेट ऑफ रिटर्न इन्हें मिलते ही रहते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिबेंचर्स की तरह. पर अगर कंपनी किसी तरह का प्रॉफिट अर्न कर रही है तो इन्हें एक्स्ट्रा प्रॉफिट भी इनके साथ शेयर किया जाता है जैसे इक्विटी शेयर होल्डर्स के साथ किया जाता है. सो इसमें दोनों के फीचर्स हैं, इसे हाइब्रिड सिक्योरिटी भी कहा जाता है. Advantages or merits of preference share. First advantages is help to collect large amount of funds. Preference shares भी large amount of funds को collect करने में help करते हैं because कि preference shareholder जो है public को fixed rate of return की वजह से ज़्यादा attract करते हैं और जिसकी वजह से ज़्यादा लोग preference shares में invest करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से large funds जो है वो collect हो जाते हैं. नो फिक्स लाइबिलिटी, डिविडेंड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर इज पेड ओनली वन कंपनी इज अर्निंग प्रॉफिट. क्या है कि डिविडेंड जो है वो तभी दिया जाता है जब कंपनी प्रॉफिट अर्न कर रही है. ड्यूरिंग लॉस पीरियड देर इज नो फिक्स लाइबिलिटी टू पे ऑन द डिविडेंड एज इन केस ऑफ लॉन्स एंड बॉर्निंग्स. कह रहे कि अगर कंपनी किसी तरह का लॉस अर्न कर रही है तो ये ज़रूरी नहीं है कि उन्हें लाइबिलिटी पे जो डिविडेंड जो है वो पे करना पड़े. तो कंपनी की ये कोई लाइबिलिटी नहीं बनती उन्हें डिविडेंड पे करना है. इट ओनली डिपेंड्स अपॉन द टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर. दे आर 9 टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स. ये उनकी टाइप्स को आगे फर्दर डिफाइन कर रहे हैं कि कुछ एक प्रेफरेंस शेयर्स ऐसे होते हैं कि उन्हें उस पर डिविडेंड नहीं पे करना पड़ता अगर लॉस का पीरियड हो रहा है. नेक्स्ट इज अ नो इंटरफेरेंस. कह रहे कि प्रेफरेंस शेयर्स को कोई भी इंटरफेरेंस वोटिंग राइट्स नहीं होते. द प्रेजेंस ऑफ प्रेफरेंस शेयर डजंट डिफ्यूज द कंट्रोल ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स विद द प्रेफरेंस शेयर्स इन शेयर कैपिटल. ऑल्सो द इक्विटी शेयर होल्डर रिटेन एक्सक्लूसिव कंट्रोल ओवर द कंपनी. क्या है कि प्रेफरेंस शेयर्स को किसी भी तरह का वोटिंग राइट नहीं होता बट उसके अपोजिट इक्विटी शेयर होल्डर्स को वोटिंग राइट्स होती हैं. नो चार्ज ऑन एसेट्स. प्रेफरेंस शेयर्स आर नॉट इशूड अगेंस्ट एनी सिक्योरिटी. द एसेट ऑफ द कंपनी रिमेन फ्री टू बी ऑफर्ड एज सिक्योरिटी फॉर लोन एंड बॉरिंग. क्या है कि प्रेफरेंस शेयर्स जो है वो सिक्योरिटी के अगेंस्ट इशू नहीं किए जाते. कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कल को वाइंड अप हो रहा है तो प्रेफरेंस शेयर्स शेयर होल्डर्स को उनके जो भी लाइबिलिटीज़ है वो पे करने के लिए अपने एसेट सेल करने पड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता. नेक्स्ट इज़ अ वैरायटी. अ कंपनी कैन इशू डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर. यहाँ पर बात की गई है कि काफ़ी तरह के प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं. कंपनी अलग अलग वैरायटी के प्रेफरेंस शेयर्स को इशू कर सकती है टू द नीड ऑफ द इन्वेस्टर एंड ट्रस्ट ऑफ द कंपनी. जो कि कंपनी के लिए बेनिफिशियल हो, जो कि इन्वेस्टर की नीड्स के अकॉर्डिंग है, उस तरह के वो प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर सकती है. नेक्स्ट इज़ अ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी. इक्विटी पे किसने ट्रेड करती है. द रेट ऑफ डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर इज फिक्स्ड. जो प्रेफरेंस शेयर का रेट ऑफ डिविडेंड है वो फिक्स्ड होता है. हेंस इन ईयर्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड मोर प्रॉफिट इक्विटी शेयर होल्डर्स इन्जॉय हाई रेट ऑफ अर्निंग विद प्रेजेंस ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स इन द शेयर कैपिटल. क्योंकि कुछ टाइप्स के जो शेयर होल्डर्स हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, उन्हें भी इक्विटी शेयर होल्डर्स की तरह जब कंपनी ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर रही है उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं. नेक्स्ट इज अ डिसएडवांटेजेस ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स. प्रेफरेंस शेयर्स के क्या डिसएडवांटेजेस हैं. फ्लक्चुएटिंग एंड लो रिटर्न. कह रही कि कई बार जो है रिटर्न्स फ्लक्चुएट करते हैं. अगर कंपनी ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर रही है तो उनका रिटर्न भी बढ़ जाता है. पर कई बार कंपनी जो है कम प्रॉफिट अर्न करती है, फिर लॉसेज में होती है, तो उस टाइम पर उनका रिटर्न भी डिक्रीज हो जाता है. डिविडेंड इज नॉट ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस.
The dividend paid to preference shareholder by the company is not treated as an expense. जो dividend है अभी आपको accounts में बताया जाएगा, जो companies के dividend होते हैं preference shares को जो shareholders को दिए जाते हैं, ये expense नहीं होते. It is not deducted from the income of the company before calculating income tax. या प्लस टू में सारा पढ़ोगे कि उन्हें कैसे ट्रीट किया जाता है, इसमें बता रहे हैं कि इसे कंपनीज के एक्सपेंस में नहीं ट्रीट किया जाता, इसे इनकम इट इज नॉट डिडक्टेड फ्रॉम द इनकम ऑफ द कंपनी. कंपनी की इनकम इस डिडक्ट नहीं किया से डिडक्ट नहीं किया जाता इनकम टैक्स को कैलकुलेट करने से पहले. द कंपनी पेज इनकम टैक्स ऑन द इनकम विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू द प्रेफरेंस शेयर्स. जो कंपनी जो है वो इनकम टैक्स पे करती है, जो इनकम ये प्रेफरेंस शेयर्स में डिस्ट्रीब्यूट करती है, शेयर होल्डर्स को देती है जो भी डिविडेंड पे करते हैं, तो कंपनी उसके लिए टैक्स पे करती है. सो जो कंपनी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पेमेंट कर रही है तो वो कंपनी की इनकम होती है. नो वोटिंग राइट्स, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को वोटिंग राइट्स जो है वो नहीं दिए जाते. नेक्स्ट इज अ फिक्स्ड ऑब्लिगेशन, जो इनका रिटर्न है वो फिक्स्ड होता है, डिविडेंड जो है फिक्स्ड होता है. तो कंपनी की जो ड्यूरिंग द लो प्रॉफिट ऑल्सो कंपनी हैज़ टू पे अ फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड टू इट्स प्रेफरेंस शेयर. और ये कंपनी के लिए क्या नुकसान है कि अगर प्रॉफिट नहीं हो रहा या कम प्रॉफिट हो रहा है तो भी कंपनी को एक फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड जो है वो पे करना पड़ता है. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इक्विटी शेयर होल्डर एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर, यू हैव टू गो थ्रू इट. नेक्स्ट इज अ रिटेन्ड प्रॉफिट और अर्निंग और ऑनर्स फंड और लॉन्ग टर्म फाइनेंस. कहते रिटेन्ड अर्निंग क्या होते हैं, रिटेन्ड अर्निंग और रिटेन्ड प्रॉफिट आर ऑल्सो नॉन एज प्लॉइंग बैक ऑफ प्रॉफिट, रिटेन्ड अर्निंग, सेल्फ फाइनेंसिंग और इंटरनल फाइनेंसिंग, रिजर्व और सरप्लस. इन्हें अलग अलग नाम से जाना चाहता है. पहला नाम है प्लॉइंग बैक ऑफ प्रॉफिट. प्रॉफिट का कुछ पार्ट हमने बचा के रख लेना. सो रिटेन अर्निंग रेफर्स टू द अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट. अगर सपोज कि मुझे 100 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है, कोई काम करने के बाद मुझे 100 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है, जिसमें से 80 रुपीज़ जो है वो मैंने यूज़ कर लिए, कोई इक्विटी शेयर होल्डर्स को दे दिया, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दे दिया, मैंने खर्चा कर लिया, और 20 रुपीज़ जो मैंने बचा के रख लिए वो क्या होते हैं, रिटेन्ड प्रॉफिट. कि अपने प्रॉफिट का कुछ पार्ट मैंने रिटेन करके रख लिया, जो मैंने किसी में भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया. So retained earning refers to the undistributed profit after the payment of dividend and taxes. It provides the basis of expansion and growth of the companies. ये हम क्यों बचा के रख लेते हैं, कल की जो नीड्स है एक्सपेंशन या ग्रोथ, कंपनी की जो एक्सपेंशन है या ग्रोथ की जो नीड्स है उसको फुलफिल करने के लिए हम कुछ पार्ट जो बचा के रख लेते हैं. इट इज़ कंसिडर्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस सिंस इट इज़ इंटरनली जनरेटेड. दिस मेथड ऑफ फाइनेंसिंग इज नोन एज सेल्फ फाइनेंसिंग. क्योंकि अब हम बिजनेस के विद इन द बिजनेस हम इसे जनरेट कर रहे हैं, हमें कोई स्पेशल किसी से कहीं से लोन नहीं लेना पड़ रहा, तो इसे सेल्फ फाइनेंसिंग भी कहा जाता है. इस मेथड को सेल्फ फाइनेंसिंग मेथड भी कहा जाता है. नेक्स्ट इज द फीचर्स ऑफ रिटेन्ड अर्निंग. रिटेन्ड अर्निंग के क्या फीचर्स हैं, क्वेश्चन ऑफ सिक्योरिटी. The retained earnings are considered as a cushion of security because they provide a support of in the times of adversity when a company finds it difficult to arrange finance from the other sources. कह रहे कि ये कंपनी को एक तरह का एक सपोर्ट प्रोवाइड करता है, जिस टाइम पे कंपनी को कहीं और से सोर्स ऑफ फंड्स नहीं मिल रहे, कहीं और से फंड्स अरेंज नहीं कर पा रही, उस टाइम पे ये वाले फंड्स जो है वो यूज़ हो जाते हैं. फंड्स फॉर न्यू एंड इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स. क्या कि जो रिटेन्ड अर्निंग है ये कॉमन सोर्स हैं, जो रिस्की प्रोजेक्ट्स होते हैं या इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स होते हैं जहाँ पे मोस्टली इन्वेस्टर इन्वेस्ट नहीं करते, उस केसेस में ये फंड्स यूज़ होते हैं या एक्सपेंशन के लिए या रिसर्च वर्क के लिए यूज़ किए जाते हैं. नेक्स्ट इज अ मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंस. रिटेन प्रॉफिट्स आर इज कंसिडर्ड एज एन ऑनरशिप फंड. रिटेन प्रॉफिट जो ऑनरशिप फंड, क्योंकि प्रॉफिट का पार्ट है सो इनसे ऑनरशिप फंड कहा जाता है. इट सर्व्स द पर्पज ऑफ मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंस. ये लॉन्ग टर्म या मीडियम टर्म फाइनेंस को सुटेबल, उस तरह के फाइनेंस के लिए सुटेबल है. नेक्स्ट इज अ कन्वर्जन इंटू ऑनरशिप फंड. द सरप्लस रिटेन्ड अर्निंग्स कैन बी कन्वर्टेड इंटू शेयर कैपिटल बाई इशू ऑफ बोनस शेयर. क्योंकि जो ये एक्स्ट्रा अर्निंग है, रिटेन्ड अर्निंग है, सरप्लस रिटेन्ड अर्निंग है, इसे हम फर्दर बोनस शेयर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. बोनस शेयर इशू करके शेयर कैपिटल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. इन इशू ऑफ बोनस शेयर्स देयर इज नो आउटफ्लो ऑफ कैश. जो कैश है वो कंपनी से बाहर नहीं जाता. इन्वेस्टर्स टू आर बेनिफिटेड बाई इशू ऑफ शेयर फ्री ऑफ कॉस्ट. इन्वेस्टर्स को भी फ़ायदा होता है कि जब उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर्स इशू किए जाते हैं तो उन्हें भी जो है बेनिफिट्स मिलते हैं. नेक्स्ट इज द मेरिट्स ऑफ रिटेन्ड अर्निंग. क्या मेरिट्स है,
मोस्ट डिपेंडेबल सोर्स. मोस्ट डिपेंडेबल सोर्स क्या है कि हमें जो पहले जो हम एक्सटर्नल सोर्सेज और उससे फाइनेंस हम कलेक्ट करते थे वो डिपेंडेबल होते थे. दिस इज क्योंकि इंटरनल सोर्स है. बाकी जो एक्सटर्नल सोर्सेज थे एज एन इंटरनल सोर्स, क्योंकि रिटेन्ड अर्निंग हमारी इंटरनल सोर्स है, दिस इज़ मोर डिपेंडेबल देन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस. ये एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस से ज़्यादा डिपेंडेबल होते हैं. द एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस डिपेंड अपॉन प्रेफरेंस ऑफ इन्वेस्टर, मार्केट कंडीशन एक्सेट्रा. क्योंकि जो दूसरे शेयर्स हैं, प्रेफरेंस शेयर्स हैं, इक्विटी शेयर्स हैं, ये कंपनी जो है कंपनी में कोई पैसे इन्वेस्ट तभी करता है जब मार्केट कंडीशन अच्छी हो. पर जो ये रिटेन्ड अर्निंग्स है इसके लिए मार्केट कंडीशंस को देखने की ज़रूरत नहीं, ये ज़्यादा डिपेंडेबल है, ये कंपनी अपनी इच्छा से यूज़ कर सकती है. नो कॉस्ट रेजिंग ऑफ रिटेन्ड अर्निंग एंड इट्स यूज़ डू नॉट इन्वॉल्व एनी कॉस्ट टू बी इनकर्ड एज देयर इज़ नो एक्सपेंस ऑन प्रोस्पेक्टस एंड एडवर्टाइजिंग. क्योंकि रिटेन्ड अर्निंग को यूज़ करने के लिए, फंड्स रेज करने के लिए रिटेन्ड अर्निंग के थ्रू किसी भी तरह की कॉस्ट इन करनी होती. कॉस्ट कैसी, जब हम इक्विटी शेयर्स या प्रेफरेंस शेयर्स इशू करते हैं तो हमें उसके लिए प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ता है, उनकी एडवर्टीजमेंट करनी पड़ती है. पर रिटेन अर्निंग को इशू करने के लिए, रेज करने के लिए हमें किसी भी तरह की कॉस्ट जो है, एक्सपेंसेस जो है वो बेयर नहीं करने पड़ते. ना ही इसके लिए कोई फिक्स लाइबिलिटी होती है, जैसे हमें कोई डिविडेंड पे करना है या हमने कोई प्रॉफिट शेयर करना है, ऐसा भी कुछ नहीं होता. नो इंटरफेरेंस, क्योंकि एक होली सोली कंपनी का प्रॉफिट है, कंपनी ही इसे यूज़ कर रही है, सो इसमें किसी की भी इंटरफेरेंस नहीं होती, किसी भी शेयर होल्डर की इंटरफेरेंस नहीं होती, किसी भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की इंटरफेरेंस नहीं होती. नेक्स्ट इज अ नो सिक्योरिटी, जैसे डिबेंचर्स के अगेंस्ट हमें सिक्योर एसेट्स जो वो रखने पड़ते हैं, कि हम अपने एसेट्स जो हैं मॉर्गेज करते हैं ताकि कंपनी हमारे कंपनी के डिबेंचर्स जो है वो पब्लिक शेयर परचेज करें, और कल को उन्हें पे करने के लिए कंपनी को अपने एसेट भी सेल आउट करने पड़ते हैं. तो रिटेन्ड अर्निंग के लिए किसी तरह की सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं होती, किसी भी तरह के एसेट नहीं लगाने पड़ते फंड्स को रेज करने के लिए. नेक्स्ट इज़ अ गुडविल, रिटेन्ड अर्निंग अगर अच्छी है कंपनी की तो कंपनी की गुडविल भी इंक्रीज होती है, कंपनी की रेपुटेशन भी इंक्रीज होती है. नेक्स्ट इज़ अ डीमेरिट्स ऑफ रिटेन्ड अर्निंग. डीमेरिट्स क्या है, केयरलेस यूज, जब हमारे पास काफ़ी पैसे होते हैं, रिटेन्ड अर्निंग्स आर अवेलेबल इजिली एट नो कॉस्ट, क्योंकि हमें इसके लिए किसी भी तरह का खर्चा नहीं करना पड़ता, तो कंपनी इसे इसका मिसयूज़ भी कर सकती है, केयरलेस भी इसका यूज़ कर सकती है, कि चलो कोई बात नहीं, हमने हमें कौन सा इसकी कोई कॉस्ट लग रही है, चलो इसे किसी भी प्रोजेक्ट में लगा के देख लेते हैं, मतलब इसका केयरलेस असावधानी पूर्वक भी इसका यूज़ कर सकती है. नेक्स्ट इज़ अ डिससेटिस्फेक्शन अमंग शेयर होल्डर्स. शेयर होल्डर्स के अमंग डिससेटिस्फेक्शन इस तरह आती है कि उन्हें लगता है कि कंपनी की अपनी अर्निंग्स हो रही हैं तो उन्हें पैसों की ज़रूरत ही है, वो शेयर होल्डर्स को क्या पता है अपना अर्निंग्स देंगे या नहीं देंगे, बिकॉज ये उनके पार्ट का प्रॉफिट होता है जो कि कंपनी रिटेन करके रख लेती है, बचा के रख लेती है, उन्हें नहीं देती, तो इसकी वजह से शेयर होल्डर्स को काफ़ी डिससेटिस्फेक्शन होती है. थर्ड इज़ अ ओवर कैपिटलाइजेशन, अ लार्ज अमाउंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग रिजल्ट इशू ऑफ बोनस शेयर टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स. फ्रिक्वेंट कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व में रिजल्ट ऑफ ओवर कैपिटलाइजेशन. कह रही कि अब क्या होता है कि काफ़ी रिटेन अर्निंग का रिजल्ट क्या होता है कि काफ़ी सारे बोनस शेयर इशू किए जाते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स से, जिसकी वजह से ओवर कैपिटलाइजेशन हो जाती है. नेक्स्ट इज अ इम्बेलेंस्ड ग्रोथ. इम्बेलेंस्ड ग्रोथ क्यों होती है, कहते हैं कि जब सरप्लस प्रॉफिट डिविडेंड्स के रूप में उन्हें नहीं दिया जाता, शेयर होल्डर्स को नहीं दिया जाता, तो शेयर होल्डर्स के प्रॉफिट नहीं होता, कंपनी की उस अकॉर्डिंग ग्रोथ या एक्सपेंशन नहीं हो पाती, जिसकी वजह से कंपनी की ओवर इम्बेलेंस ग्रोथ होती है. एक पार्ट जो है वो डेवलप कर रहा है, दूसरा पार्ट डेवलप नहीं करता, सो कंपनी की ग्रोथ भी इम्बेलेंस हो जाती है. नेक्स्ट इज अ ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट और ऑनर फंड एंड लॉन्ग टर्म फंड. अ ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट क्या है, आर इशूड अगेंस्ट द इशू ऑफ इक्विटी शेयर इन द ग्लोबल मार्केट. जब इक्विटी शेयर ग्लोबल मार्केट यूनिवर्सल मार्केट में इशू किया जाता है तो उसे ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट कहा जाता है. दीज आर इनडायरेक्ट इक्विटी ऑफरिंग्स. द इक्विटी शेयर्स इशूड अगेंस्ट GDR आर हेल्ड बाई एन इंटरनेशनल बैंक कॉल्ड डिपॉजिटरी. क्योंकि जो भी इक्विटी शेयर्स ग्लोबली इशू किए जाते हैं वो मोस्टली इंटरनेशनल बैंक की तरफ से परचेज किए जाते हैं, और जैसे कि डिपॉजिटरी भी कहा जाता है. कंपनीज इशू डिविडेंड नोटिस रिपोर्ट्स एटसेट्रा रिगार्डिंग दी शेयर्स टू दी बैंक ओनली. अगर कंपनी ने किसी तरह का नोटिस देना है, डिविडेंड से रिलेटेड नोटिस देना है, या अपने जो रिपोर्ट्स है वो शेयर करने हैं, वो सिर्फ बैंक के साथ ही शेयर करती है. दी शेयर्स आर कॉल्ड डिपॉजिटरी शेयर्स, इन्हें डिपॉजिटरी शेयर्स भी कहा जाता है. दी होल्डर्स ऑफ दी शेयर्स
डू नॉट गेट वोटिंग राइट्स. अब जो ये वाले शेयर होल्डर्स हैं इन्हें किसी भी तरह का वोटिंग राइट नहीं दिया जाता. द कैपिटल, जो भी इसमें कैपिटल कंट्रीब्यूट की जाती है शेयर इशू करने के बाद जो कैपिटल मिलती है, जो पैसे मिलते हैं, वो भी इन फॉर्म ऑफ डॉलर्स मिलते हैं. देयर इज वाई दीज आर कॉल्ड डॉलर डोमिनेटेड इंस्ट्रूमेंट. इसीलिए इसे डॉलर डोमिनेटेड इंस्ट्रूमेंट भी कहा जाता है. और ये वाली जो डिपॉजिट रिसिप्ट हैं ये भी सिटी बैंक में 1990 में इशू की गए थे. फीचर्स क्या है इसके, कैपिटल कलेक्टेड फ्रॉम द इशू ऑफ GDR इज़ इन फॉरेन करेंसी. जैसे कि हमने बात की है कि फॉरेन करेंसी में इशू किए जाते हैं, इन रिटर्न इन्हें डॉलर्स मिलते हैं रुपीज़ की जगह. द इशू प्राइस ऑफ GDR इज़ फिक्स्ड ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टर्स रिस्पॉन्स. ये इन्वेस्टर जो इनकी इशू प्राइस है, प्राइस भी इन्वेस्टर के रिस्पॉन्स पे ही फिक्स किए जाते हैं. वोटिंग राइट्स जो है वो नहीं दिए जाते. GDR आर इजीली ट्रांसफरेबल एट द स्टॉक एक्सचेंज. स्टॉक एक्सचेंज में इजीली ट्रांसफर किए जाते हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक. द फर्स्ट इंडियन कंपनी टू इशू GDR वॉज रिलायंस इंडस्ट्री. पहली कंपनी जिसने GDR इशू किया था वो कौन थी, रिलायंस इंडस्ट्रीज थी. एंड इट सोल्स $150 million वर्थ ऑफ GDR इन 1992. और इन 1992 में उसने $150 million के जो शेयर्स हैं वो इशू किए थे, सेल किए थे. नेक्स्ट इज अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट. अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट क्या होते हैं, द ADR इज जस्ट लाइक GDR. ये भी GDR की तरह होते हैं, बट इट इज़ ओनली इशूड टू द सिटीजन्स ऑफ USA. ये सिर्फ USA के सिटीजन्स को इशू किए जाते हैं. एंड इट कैन बी लिस्टेड इन द US स्टॉक एक्सचेंज. और इसे सिर्फ US में, यूनाइटेड स्टेट के स्टॉक एक्सचेंज में ही इशू किया जाता है. शेयर इशूड बाई द कंपनी आर हेल्ड बाई एन इंटरनेशनल बैंक कॉल्ड डिपॉजिटरी. सेम आ गया ये वाला, विच रिसीव डिविडेंड नोटिस एंड रिपोर्ट. ADR आर द सब्जेक्ट टू मच स्ट्रिक्टर डिस्क्लोज रिक्वायरमेंट्स देन GDR बिकॉज द रेगुलेशन ऑफ US स्टॉक एक्सचेंज आर वेरी स्ट्रिक्ट. क्या कि इसकी जो रिस्ट्रिक्शन, जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो थोड़े GDR से थोड़े ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, क्योंकि जो US स्टॉक एक्सचेंज के रूल्स रेगुलेशन है वो थोड़े स्ट्रिक्ट हैं. एनुअल लीगल एंड अकाउंटिंग कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग ADR आर मच हायर देन GDR. अब इनकी जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स है, वो भी हायर होती है GDR से. एंड ADR इज एन अमेरिकन डॉलर डोमिनेटेड इंस्ट्रूमेंट एंड अमेरिकन बैंक फंक्शनिंग एज अ डिपॉजिटरी कैन इशू ADR. क्योंकि जो अमेरिकन बैंक है वो इसकी अमेरिकन डॉलर से, इसकी जो इंस्ट्रूमेंट है वो अमेरिकन डॉलर डोमिनेंट है. मतलब कि जो US डॉलर है या ऑस्ट्रेलियन डॉलर नहीं इसमें लगता है, इसमें अमेरिकन डॉलर लगता है. तो इसकी फंक्शनिंग भी ADR के जो बैंक है, अमेरिकन बैंक है, वो इसकी फंक्शन को कंट्रोल करते हैं. नेक्स्ट इज IDR. IDR मीन्स इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट. अब ये भी GDR की तरह होती है. GDR एक्सेप्ट दैट इज इशू टू द सिटीजन ऑफ इंडिया. ये सिर्फ इंडिया के सिटीजन्स, इंडियन सिटीजन्स को इशू किए जाते हैं थ्रू IDR. फॉरेन कंपनीज रेज फंड्स फ्रॉम इंडियन मार्केट. जो फॉरेन कंट्रीज है वो इंडिया से, इंडियन मार्केट से फंड्स रेज करती है. द फॉरेन कंपनी IDRs विल डिपॉजिट शेयर इन इंडियन डिपॉजिटरी. जो कंपनी, फॉरेन कंपनीज है वो इंडिया की मार्केट में शेयर्स, अपने शेयर्स इशू करती हैं. द डिपॉजिटरी इशू रिसिप्ट टू इन्वेस्टर इन इंडिया अगेंस्ट दी शेयर. स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक वॉज द फर्स्ट ग्लोबल कंपनी टू फाइल फॉर द इशू ऑफ IDR इन इंडिया. क्योंकि जो पहली कंपनी है वह स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, जिसने कि इंडिया में अपने शेयर जो है ग्लोबल ऐसी पहली कंपनी है जिसने इंडिया में अपने IDRs जो इश्यूज हैं वो इशू किए थे. एलिजिबिलिटी ऑफ कंपनीज टू इशू IDRs. कौन सी कंपनी IDR इशू कर सकती है. द इशूइंग कंपनी मस्ट बी लिस्टेड इन इट्स होम कंट्री. जो अपनी होम कंट्री, मतलब अगर वो ऑस्ट्रेलिया की कंपनी है तो ऑस्ट्रेलियन कंट्री में लिस्टेड होनी चाहिए. एंड इज़ नॉट प्रोहिबिटेड टू इशू सिक्योरिटीज बाई एनी रेगुलेटरी अथॉरिटी. और वो किसी भी रेगुलेटरी अथॉरिटी से, उसे उसकी परमिशन जो है वो कैंसिल नहीं हुई होनी चाहिए. मतलब उसका जो लाइसेंस है वो जो लाइसेंस जो है वो रद्द नहीं हुआ होना चाहिए. इट इज़ नेट टेंजिबल एसेट ऑफ एटलीस्ट 3 crores इन 3 years कंटिन्यूसली. उसकी जो नेट टेंजिबल एसेट्स है, फिक्स्ड एसेट है, वो 3 crore से ज़्यादा होनी चाहिए. एंड इट मस्ट हैव वर्थ ₹1 crore इन ईच प्रिसीडिंग 3 years. कह रहे कि इसकी जो नेट वर्थ है वो भी 1 crore से, रेगुलर 3 years में जो है 1 crore से ज़्यादा होनी चाहिए.
रिजर्वेशन इन आईडीआर इश्यूज, एटलीस्ट 50% ऑफ द इश्यूज इज टू बी एलोकेटेड टू क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, 30% ऑफ द इशू टू द रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर एंड बैलेंस 20% ऑफ द इशू आर नॉन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स एंड एम्प्लॉयज़। क्या देखिए, जितने भी आईडीआर्स इशू हो रहे हैं उसमें उसका 50% जो है वो क्वालिफाइड, उसके क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन बायर्स होने चाहिए, 30% शेयर्स जो है वो रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स होने चाहिए, और जो 20% है ये नॉन इंस्टीट्यूशन जो जनरल पब्लिक है वो होनी चाहिए, इम्प्लॉयज़ हो गए, जनरल पब्लिक हो गई, ये जो है ये बिजनेसमैन हो गए जो छोटे बिजनेसमैन होते हैं, और क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन बायर्स हो गए जो बड़े बिजनेसेस होते हैं वो इन्वेस्ट कर, वो उसमें उसे परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें केस स्टडीज़ दी हुई हैं, 3 केस स्टडीज़ दी हुई हैं, यू हैव टू गो थ्रू इट, आपको ये सारी केस स्टडीज़ पढ़नी है, समझनी है। अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हम कल की जूम मीटिंग में इसे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।